the will. I've been chasing after something else. देखो सस्पेंस थ्रिलर के जॉनरा में बहुत सारी मूवीज और सीरीज आ चुकी है और आज उन्हीं में से कुछ पांच बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज ढूंढकर निकाला है मैंने तुम्हारे लिए, जिन्हें एक बार तो तुम्हें जरूर देखना चाहिए। मगर इनमें से नंबर 3 और नंबर 1 मेरी फेवरेट है, सो वीडियो पूरा देखना वरना किसी अच्छी सीरीज को तुम मिस कर दोगे। और हाँ, स्टोरी बताऊं तो स्किप मत करना, वही तुम्हारी हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि तुम्हें कौन सी सीरीज देखनी चाहिए। तो नंबर 5 पे है 2022 में आई द वॉचर। इस सीरीज में आप देखेंगे एक फैमिली की कहानी जो अपने लग्जरी हाउस में शिफ्ट होते हैं, लेकिन जल्द ही उस नए घर में एक के बाद एक मिस्टीरियस लेटर्स मिलने शुरू हो जाते हैं उस फैमिली को, वो भी एक ऐसे स्टॉकर की तरफ से जो हर वक्त उनके घर पे और उनकी फैमिली पर नजर रख रहा है और खुद को द वॉचर बुलाता है। तो आखिर ये द वॉचर कौन है और उस फैमिली और उस घर से क्या चाहता है, यही सब पता करना है तुम्हें इस सीरीज को देखकर। इस सीरीज का फर्स्ट हाफ काफी अच्छा है, जहां तुम्हारे अंदर ये जानने की चुल बनी रहेगी कि आखिर द वॉचर है कौन। वहीं सेकंड हाफ में सभी चीजें इरिटेटिंग सा लगने लगता है और इस सीरीज का क्लाइमेक्स से भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। देख के तो एक ही बात बोलूंगा, दिखाया हाथी निकला चींटी, सीरीज आपका सिर्फ काटती है और कुछ नहीं। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.5 out of 10। नंबर 4 पे है 2023 में आई हार्लेन कोवेन शेल्टर। इस सीरीज में तुम देखोगे मिक्की की कहानी जो अपने फादर के एक हादसे में हुई मौत के बाद काफी उदास है और इसी कारण वो दूसरे टाउन में अपने आंट के घर शिफ्ट हो जाता है और वहीं के स्कूल में एडमिशन ले लेता है। लेकिन जब मिक्की का एक दोस्त उसी टाउन में अचानक से लापता हो जाती है, फिर मिक्की अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने उस लापता दोस्त को ढूंढने की कोशिश करने लगता है और फिर उसके बाद मिक्की को किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, बस यही सब पता करना है तुम्हें इस सीरीज को देखकर। इस सीरीज का पोस्टर और कुछ एपिसोड देखकर लगता है कि ये एक डैन चुड़ैल वाली मिस्ट्री थ्रिलर है, पर ना, स्टार्टिंग में कुछ ऐसा और एंड आते आते कुछ ऐसा दिखाती है ये सीरीज। इस सीरीज का फर्स्ट हाफ मुझे अच्छा लगा बट सेकेंड हाफ से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस सीरीज को तुम प्राइम वीडियो पे हिंदी में देख सकते हो, इसे IMDb पे रेटिंग मिली है 6.6 out of 10। नंबर 3 पे है 2011 में आई ब्लैक मिरर। ये एक एंथोलॉजी सीरीज है जिसके हर एपिसोड में अलग स्टोरी और अलग कैरेक्टर देखने को मिलता है, बट ब्लैक मिरर के हर एपिसोड की स्टोरी कनेक्ट करती है फ्यूचर और साइंस से और अपने नाम की तरह ये सीरीज समाज का एक काला चेहरा हमारे सामने रखती है। इस सीरीज के हर एपिसोड के अंदर अलग अलग कहानी तो देखने को मिलती है, हर एपिसोड से कुछ ना कुछ सीख और कुछ ना कुछ सबक भी सीखने को मिलता है। इस सीरीज में समाज के ऐसे ऐसे मुद्दे देखने को मिलते हैं जिनके बारे में आपने कभी बात नहीं की होगी, पर ऐसा कुछ आसपास होते हुए जरूर देखा होगा। बस उन्हीं चीजों को ये सीरीज हमारे सामने रखती है। अब तुम्हें कुछ अलग, कुछ नया, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखना है तो तुम ब्लैक मिरर सीरीज को देख सकते हो। ये सीरीज तुम्हें नेटफ्लिक्स पे हिंदी में मिल जाएगी। इसकी IMDb रेटिंग है 8.7 out of 10। नंबर 2 पे है 2014 में आई ट्रू डिटेक्टिव का सीजन 1। तो सीजन 1 में आपको दिखाया जाएगा डिटेक्टिव रस और डिटेक्टिव मार्टिन की कहानी। ये दोनों डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं एक खौफनाक मर्डर केस को। अब वो मर्डर किसने और क्यों किया है और इस केस को सॉल्व करते टाइम डिटेक्टिव के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, बस यही सब पता करना है तुम्हें इस सीरीज को देखकर। यह एक स्लो बर्न मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर सीरीज है और इस सीरीज में मुझे डिटेक्टिव रस का केस सॉल्व करने का तरीका पसंद आया। सिक्स सेंस भी कमाल का लगा, ये एक अच्छी सीरीज है। इस सीरीज को तुम जियो सिनेमा पे हिंदी में देख सकते हो। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.9 out of 10। तो नंबर 1 पे है 2016 में आई स्ट्रेंजर थिंग। चार लड़के माइक, विल, लुकस और डस्टिन पक्के दोस्त हैं, मगर एक रात ये तीनों लड़के माइक के घर से खेलकर वापस घर लौट रहे होते हैं कि तभी आधे रास्ते से विल गायब हो जाता है। अब विल कहां गया और उसे कौन ले गया और विल के दोस्त, माँ, भाई और वहाँ की पुलिस विल को ढूंढने के लिए क्या कुछ करती है, बस यही सब तुम्हें इस सीरीज को देखकर पता करना है। इस सीरीज में हर एक कैरेक्टर को जिस तरह से क्रिएट किया गया है, हर कैरेक्टर से आप इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे, वो भी फर्स्ट एपिसोड से। इस सीरीज में मुझे डस्टिन और स्टीव का कैरेक्टर काफी ज्यादा पसंद आया। उन दोनों की दोस्ती इस सीरीज में भाई देखने लायक है। अभी तक इसके 4 सीजन आ चुके हैं और चारों सीजन सुपर हिट है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इसके फर्स्ट सीजन को देखें, उसके बाद आपने इसके सारे सीजन ना देख डाले तो मैं अपना नाम बदल डालूंगा। इस सीरीज के सारे सीजन तुम्हें नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देखने को मिल जाएंगे। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.7 out of 10। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।